बीजीएमआई में जिसकी 100 से ज्यादा हाइपिंग होती है और लैग होता है तो उसके साथ कुछ ऐसा होता है। और जिसकी 50 से नीचे पिंग आती है, बिल्कुल भी हाई पिंग नहीं होती और लैग नहीं होता, तो वो बंदों को ऐसे मारता है। कैसे दिया आपको? मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो और मेरे भाइयों, क्या हाल चाल यार। तो भाई बीजीएमआई के अंदर अगर आपकी भी बहुत ज़्यादा हाइपिंग हो रही है बीजीएमआई खेलते वक्त, या फिर आपका बहुत ज़्यादा लैग हो रहा है, ठीक है, और भाई हाइपिंग इतनी होती है कि आप लोग जब भी गेम में लगाते हो टीडीएम या फिर क्लासिक खेलते हो और आपकी पिंग 50 आती है और अचानक से एकदम 250 पहुँच जाती है और भाई 400 पहुँच जाती है, आप लोग बंदे की गोलियाँ मारते रहते हो, बंदा नहीं मरता, उल्टा बंदा आपको कम मार के चले जाते हैं, आपको पता ही नहीं लगता, या फिर आपका भाई बहुत ज़्यादा लैग हो रहा है मोबाइल, आपके पास लो एंड डिवाइस हो, ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपको प्रॉब्लम है ना, तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद ना आपकी 50 से ऊपर कभी भी हाइपिंग नहीं आएगी और आपका मोबाइल लैग भी नहीं होगा, चाहे आपके पास कितना भी डिवाइस लो हो, ठीक है। और आप लोग गांव में रहते हो या फिर आप लोग शहर में रहते हो, कभी भी आपका नेटवर्क अच्छा नहीं होता है तो भाई नेटवर्क भी अच्छा आएगा और पिंग भी अच्छी आने वाली है, तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखना। आपके पास कोई सा भी सिम हो, जियो, एयरटेल, वोडाफोन या फिर आइडिया, ठीक है, कोई सा भी सिम हो, कोई सा भी मोबाइल हो, ओप्पो, रियलमी, वीवो या फिर इन्फिनिक्स या फिर भाई टेक्नो वगैरह कोई सा भी हो, सबका आपका लैग खत्म होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखना। जिसने अभी तक अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर लेना, बेल आइकन को ऑन पे कर देना, क्योंकि बीजीएमआई की टिप्स एंड ट्रिक्स भी रहे आपके लिए सबसे पहले लाता रहता हूँ, तो भाई सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन पे कर देना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी हाइपिंग के बारे में, हाइपिंग होती क्यों। अब देखो भाई, आपको एक सेटिंग है जो आपको बताऊंगा, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है, आपको आना है सिम एंड नेटवर्क सेटिंग्स में, ठीक है, सिम कार्ड नेटवर्क डाटा में आना है और यहाँ पे आपको सिम वन में जिस भी सिम में आपका सिम पड़ा हो उस पर टैप करना है, आपके पास कोई सा भी सिम हो तो आपको टैप करना है। नीचे आपको एक्सेस पॉइंट नेम या फिर आपके में APN हो सकते हैं, मेरे में एक्सेस पॉइंट नेम है तो मैं इस पर टैप करता हूँ। टैप करने के बाद ना आपके सामने ना ऊपर 3 डॉट आएगा, 3 डॉट पर टैप करना है और आपको टैप करने के बाद ना रीसेट टू डिफॉल्ट कर देना है, ठीक है। ये करने के बाद ना प्लस का आइकन मिलेगा आपको ऊपर या फिर नीचे, इस पर टैप कर देना है और आपको इस फॉर्म के अंदर 3 चेंजेस करने हैं, आप कोई किसी भी कंपनी का सिम हो, अगर आपको नेटवर्क अच्छा बढ़ाना है तो सबसे पहले नाम पर टैप कर देना है। यहाँ पे आपको लिखना है जियो इंटरनेट मैक्स, देखो जैसे मेरा स्पेलिंग छोटी या बड़ी, यहाँ पे कैपिटल स्मॉल लेटर का ध्यान रखना, आपको सेम अच्छा लिखना है ऐसा ही जैसे मैंने लिखा है, ओके कर देना है। उसके बाद आपको APN पे टैप कर देना है और सब कुछ स्मॉल लेटर में, अगर आपका जियो का सिम है तो जियो 5G नेट लिखना है, वरना एयरटेल गया तो एयरटेल 5G नेट और VI गया तो VI 5G नेट, सब कुछ बिना स्पेस दिए स्मॉल लेटर में यानी कि छोटे अक्षरों में लिख देना है। ये लिखने के बाद ओके कर देना है। उसके बाद आपका प्रॉक्सी आएगा, इसको नहीं छेड़ना है। उसके बाद पोर्ट आएगा, पोर्ट को भी नहीं छेड़ना है। उसके बाद आएगा यहाँ पे यूजर नेम, आपको यहाँ पे लिखना है नेट स्पीड बोट, ठीक है, ध्यान से देखना यहाँ पे छोटी बड़ी स्पेलिंग का पूरी ध्यान से देखना, जैसे मैंने सेम लिखा है आपको सेम ऐसे लिखना है बिना किसी स्पेस के, नेट स्पीड बोर्ड, ये लिखने के बाद ओके कर देना है। उसके बाद आपको पासवर्ड मिलेगा, इसको नहीं छेड़ना। उसके बाद आएगा सर्वर, आपको सर्वर पर टैप कर देना है, देखो www.google.com, बिना स्पेस के स्मॉल लेटर में लिखना है, बस जो गूगल का जी होगा ना वो यहाँ पे बड़ा लिखना है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद MMSC, इसको नहीं छेड़ना, MMS प्रॉक्सी नोट सेट, इसको नहीं छेड़ना, MMSC MNC कोड, ये नहीं छेड़ना। उसके बाद ऑथेंटिकेशन टाइप आएगा, आपका नन होगा, नन से हटा करके ना पैप और चैप लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद नीचे आना है, APN टाइप को नहीं छेड़ना है, APN प्रोटोकॉल आएगा, आपको IPv4 होगा, इससे हटा करके थर्ड वाला ऑप्शन IPv6 वाला कर देना है, थर्ड वाला ऑप्शन। उसके बाद APN रोमिंग प्रोटोकॉल आएगा, इसको भी आपको थर्ड वाला ऑप्शन यानी कि तीसरे वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो इस सेटिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग आता है वो होती है बिरर, जिससे आपकी स्पीड इंक्रीज होती है, तो आपका बिरर पर टैप करना है तो अनस्पेसिफाइड रहेगा सबसे पहले, आपको इससे हटा करके ना LTE, HSPAP, HSPA, और यहाँ पे GPRS, EDGE और यहाँ पे भाई 1XRTT ये लिख लेना है, यहाँ पे टिक मार देना है। और जिन बंदों के में एक से ज़्यादा बिर ना होते हैं ना मोबाइल के अंदर, तो उनको ओनली LTE सिलेक्ट कर लेना है, ये सब की में होता है।
4G में, ठीक है, LTE सेलेक्ट कर लेना। ये करने के बाद आपको 3 डॉट आएगा तो ओके कर देना है, सेव कर देना है इसको, ठीक है। सेव करने के बाद ना आपके सामने एक सेटिंग दिखाई देगी जो होगा जियो इंटरनेट मैक्स, उस पर आपको टिक मार देना है, ठीक है। अब टिप्स नंबर 2, अब देखो भाई, सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर पर जाना है, ठीक है, नेट आपका ऑन रहना चाहिए। आपको आइकन पर टैप कर देना है प्रोफाइल पर प्ले स्टोर की, तो यहाँ पर सेटिंग मिलेगी सबसे नीचे, सेटिंग पर आना है और यहाँ पर भाई नेटवर्क प्रेफरेंसेस आएगा, इस पर टैप कर देना है, ठीक है। टैप करने के बाद यहाँ पे ऑटो अपडेट एप्स करके एक ऑप्शन दिखाई देगा, यानी कि सेटिंग दिखाई देगी, उस पर टैप कर देना है। आपका ऑल होगा, आपको ऑल से हटा करके ना डोंट ऑटो अपडेट एप्स कर देना है, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन, यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है, डोंट ऑटो अपडेट एप्स, ठीक है। ये करने के बाद अब बात करते हैं अपनी तीसरी सेटिंग के बारे में। देखो भाई, दोबारा सेटिंग में जाना है आपको, अपने ना माई फोन या फिर अबाउट फोन के अंदर आना है, आपको अपने वर्जन पे आना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको डेवलपर ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा, एक कर्नेल वर्जन या फिर बिल्ड नंबर, यहाँ पे मेरे पास बिल्ड नंबर है, तो बिल्ड नंबर पर 7 बार आपको 7 टाइम लगातार टैप टैप कर देना है। टैप करने के बाद ना इससे आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा, तो आपको बैक आना है, एडिशनल सेटिंग में आना है या फिर सिस्टम पे आना है। एडिशनल सेटिंग में दिखाई देगा आपको या फिर सिस्टम के अंदर डेवलपर ऑप्शन, आपको इसके ऊपर आपको टैप कर देना है, ठीक है। ये करने के बाद ना यहाँ पे कुछ सेटिंग बताऊंगा, वो आपको ऑन ऑफ करनी है, ठीक है, जिससे आपका हाई पिंग भी नहीं आएगा और लैग भी नहीं होगा। तो सबसे पहले सेटिंग है ऑटोमेटिक सिस्टम अपडेट, अगर आपका ऑन होगा ना तो इसको आपको बंद कर देना है, यानी कि आपको डिसेबल कर देना है सिस्टम ऑटो अपडेट्स करके। उसके बाद नीचे जाना है, पूरे आपके सेटिंग दिखाई देगी, ग्राफिक्स ड्राइवर परफेंसेस या फिर गेमिंग ड्राइवर परफेंसेस, मेरे में ग्राफिक्स है तो मैं इस पर टैप कर देना है। और बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया डोंट लंच की जैसा मेरा बैटल ग्राउंड इंडिया, इस पर टैप करना है। आपका डिफॉल्ट होगा, आपको डिफॉल्ट से हटा करके सिस्टम ग्राफिक्स ड्राइवर कर देना है, ठीक है। ये करने के बाद आपको बैक आना है और आपको नीचे जाना है तीसरी सेटिंग के लिए, ठीक है। अब नीचे जाना है, एक सेटिंग और दिखाई देगा जिसका नाम होगा, यहाँ पे पूरे ध्यान से देखना, वाईफाई स्कैनिंग ट्रॉटलिंग, इसको ना आपको बंद कर देना है। अपने आप ही आपकी वाईफाई यहाँ पे ब्लूटूथ आपका ऑन ऑफ होता रहता है, तो उसको बंद कर देना। बंद करने के बाद नीचे जाना है और यहाँ पे एक सेटिंग दिखाई देगा, बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, इसको आपको टैप कर देना है, इस पर टैप कर देना। बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट पर आपका एक्सटेंडेड लिमिट होगा, इसे हटा करके 9 बैकग्राउंड प्रोसेस कर देना है या फिर एटमोस्ट 1 कर देना है। ये करने के बाद ना आपको अपना मोबाइल रीस्टार्ट या फिर रिबूट कर देना है। ये सेटिंग करने के बाद आपकी हाइपिंग नहीं आने वाली है, ज़्यादा 50 से नीचे आएगी और आपका लैग भी नहीं होने वाला है, चाहे आपके पास कोई सा भी डिवाइस है। तो वीडियो किसी लगी जरूर कमेंट करके बताना, अपने भाई का चैनल कर देना सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब लोग बेल आइकन को भी कर देना, तो लव यू, और यार सब्सक्राइब भी कर देना।